तो हाय गाइस, मैं आ गई हूँ नई वीडियो के साथ, लेकर आई हूँ सोहक यानी कि मोहक नारंग एंड सुरभि राठौर की आज की अपडेट। तो गाइस, सभी सोहक फैंस को सोहक की बहुत याद आ रही है, मुझे भी सोहक की कल से बहुत याद आ रही थी। तो मैंने ये वाली वीडियो देखी गाइस, काफ़ी फनी वीडियो है। वीडियो देखकर मेरा मूड फ्रेश हो गया गाइस, आप भी ये वीडियो देख सकते हैं, कुणाल के यूट्यूब चैनल पर है गाइस, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी आप सभी को। तो यस गाइस, ये लास्ट ईयर गणेश चतुर्थी की सुरभि की स्नैप है। एंड गाइस, सुरभि की केक वाली स्नैप पर इनके 10 पेजेस भी रिएक्ट कर रहे हैं, थोड़े बहुत सभी इमोशनल हो गए हैं गाइस। तो गाइस, आपको क्या लगता है, सुरभि बहुत ज़्यादा मिस कर रही है मोहक को, बट मोहक की तरफ से ऐसी कुछ भी हिंट नहीं आता, या फिर मोहक अभी इस बारे में कुछ भी नहीं कहना चाहते हैं, वो अभी चुप हैं। हो सकता है गाइस ये लोग हमें बाद में बता दे कि आखिर बात क्या थी। इस बारे में आपका क्या कहना है मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो आइए अब देख लेते हैं कल की वीडियो के कुछ कमेंट। संजना ने कमेंट किया, थैंक यू दी, थैंक यू सो मच, जब आपने मुझे अपनी छोटी सिस्टर बोला मुझे बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच, लव यू दी एंड सोहक, जल्दी मिल जाएंगे, सोहक की बहुत बहुत याद आती है, मिस यू सोहक। तो वेलकम संजना एंड हम सभी को सोहक की बहुत याद आती। आशा ने कमेंट किया है, थैंक यू दी, आप बहुत प्यारी हो, लव यू दी। अलवीरा अंसारी ने कमेंट किया, वेलकम दीदी, आप इतनी कोशिश कर रहे हो, सोहक को वापस जरूर आएंगे, हम आपके साथ हैं। माही ने कमेंट किया है, सोहक आएगा, जरूर आएगा, मेरा मूड ठीक नहीं है, यूट्यूब खोला मैंने सोहक का न्यू वीडियो देखने के लिए बट कोई न्यू वीडियो नहीं आया तो मुझे बहुत बुरा लगा, जल्दी जल्दी आ जाओ सोहक प्लीज। जिंटू ने कमेंट किया है, दी आपके पास सोहक की सेकंड म्यूजिक वीडियो की कोई अपडेट है क्या, क्योंकि पहले वाला सॉन्ग 2 मंथ पहले ही आया था, सेकंड वाला सॉन्ग तो अब तक नहीं आ जाना चाहिए था प्लीज। तो गाइज, आई थिंक कि ये सारी चीजें जो हो रही है वो सॉन्ग की वजह से ही हो रही है, सॉन्ग के आसपास ही हो रही है। आपने नोटिस किया होगा तो सोहक के दोनों सॉन्ग एक साथ ही शूट हुए थे, 1 और 2 मई को शूट हुए थे, आप लोगों ने मोहक के इस वाले व्लॉग में देखा होगा जो कि 5 मई को रिलीज हुआ था, और ये व्लॉग उन्होंने 3 मई को शूट किया था। एंड गाइज, इन दोनों का पहला सॉन्ग 2 जून को रिलीज हुआ जो कि आप देख सकते हैं, और 2 जून को ही सुरभि ने BTS डाला था फर्स्ट म्यूजिक वीडियो का, जो कि ये वाला है, आप लोगों ने देख लिया होगा। बट गाइज, मोहक ने जो BTS डाला था सॉन्ग का, वो 30 मई को ही आ गया था उनके चैनल पर। एंड गाइज, ये BTS उस सॉन्ग का है ही नहीं जो सॉन्ग रिलीज हुआ था, ये सेकंड वाले सॉन्ग का BTS है जो कि मोहक ने गाना रिलीज होने से पहले ही अपलोड कर दिया था। तो गाइज मे भी हो सकता है कि इस वजह से सॉन्ग अटक गया हो, क्योंकि ऐसा होता है कि जब सॉन्ग के BTS या फिर सॉन्ग के लिरिक्स आउट हो जाते हैं, जैसे कि आप ये जन्नत का सॉन्ग देख सकते हैं, एल्टो के शूज जो कि लीक हो गया था और बाद में कभी रिलीज हुआ ही नहीं, जब गाइस ऐसा होता है कि BTS लीक हो जाते हैं तो सॉन्ग रिलीज नहीं होता है, मे भी हो सकता है कि इस वजह से सॉन्ग अटक गया और इसी वजह से मोहक सुरभि की लड़ाई हुई हो, क्योंकि गाइज ये वाला व्लॉग 30 मई को आया था एंड गाना 2 जून को रिलीज हुआ था। एंड गाइज, इस व्लॉग के बाद मोहक सुरभि मिले ही नहीं, इनका गाना रिलीज हो गया तब भी इन्होंने एक रील तक अपने ही गाने पे साथ में नहीं बनाई गाइज। एंड गाइज, आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि मोहक सुरभि ने एक दूसरे की स्टोरी को भी रिपोस्ट नहीं किया था सॉन्ग से रिलेटेड वाली, एंड इसके बाद से ही ये दोनों मिले ही नहीं और इनके झगड़े की खबरें आने लगी। तो गाइज, ऐसा हो सकता है, बहुत कम ही चांस है कि इनका सेकंड सॉन्ग रिलीज हो। अगला कमेंट है मेहर का, दी हमें हमारी होप नहीं छोड़नी चाहिए, आज नहीं तो कल सोहक जरूर मिलेंगे, बिकॉज सोहक एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, हम सबको पता है, बाय द वे लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम गुजरात। नेहा ठाकुर ने कमेंट किया है, सोहक। कोमल ने कमेंट किया, दी आप बहुत क्यूट हो, वॉइस भी वेरी नाइस, आपकी वॉइस की मैं फैन हूँ, लव यू मेरी प्यारी दीदू। आई होप कोमल की मैंने आपका नाम सही लिया हो, मुझे आपका नाम ढूंढने के लिए मेरी पुरानी वीडियोस देखनी पड़ी थी, बहुत टाइम हो गया था इसलिए मैंने पुरानी वीडियो सर्च की, फिर मुझे आपका नाम पता चला। एंड गाइज, मैंने पहले वाली वीडियो में भी आप लोगों को बताया था कि जो जो अपने मम्मी पापा के अकाउंट से मुझे कमेंट करते हैं तो वो अपना नाम साथ में लिख सकते हैं कमेंट के, ताकि मैं उनका नाम लूँ। कोमल ने ही सेकंड कमेंट किया, दी मुझे पता है कि मोहक एंड सुरभि ज्यादा दिन तक दूर नहीं रहेंगे, वो साथ में आएंगे क्योंकि उनका रिश्ता बहुत स्ट्रांग है। तो बिल्कुल सही कहा आपने। अनम का कमेंट है, थैंक यू दी अपडेट देने के लिए, मैंने आज कुणाल ब्रो का व्लॉग देखा, सब पार्टी में डांस कर रहे थे, कुणाल, खुशी, नितेश, मोहक, सिर्फ सुरभि दी मिसिंग थी और मुझे बहुत ज्यादा हर्ट हुआ, ये सब सुरभि दी को भूल चुके हैं। तो अनम, हम सभी को हर्ट हुआ कि सुरभि साथ में नहीं थी, हमें आदत है इन सभी को एक साथ व्लॉग में देखने की, जब भी कोई किसी का बर्थडे होता है, पार्टी होती है, तो ये सभी लोग हमें साथ में दिखते हैं डांस करते हुए, मस्ती करते हुए, प्रेम करते हुए, बट अभी सुरभि नहीं है तो बहुत ही फीका फीका लगा व्लॉग। एंड सच बताऊं तो व्लॉग देखने का मन नहीं था, फिर भी मैंने देखा। नीलू सिंगरोल ने कमेंट किया है, अब तो सोहक आएंगे तभी मैं इंस्टाग्राम डाउनलोड करूंगी। रूपा शर्मा कमेंट है, दीदी बस मेरी यही दुआ है कि सोहक जल्दी मिल जाए, एंड योर वॉइस इज वेरी वेरी अमेजिंग, थैंक यू सो मच रूपा, एंड थैंक यू सो मच इतना अच्छा कमेंट करने के लिए। सोनी शाह कमेंट है, सब लोग सुरभि दीदी को भूल गए हैं।
उषा साकेत ने कमेंट किया, डी सोहक साथ में पार्टी किए हैं क्या, सोहक ब्लैक पार्टी ड्रेस पहना है एंड यू आर बेस्ट दी यूनिवर्स, सोहक को एक करेगा, मैं बीमार थी डेट्स वाई कमेंट नहीं कर। तो हाँ गाइज, ये कंफ्यूजन दूर करना जरूरी था। थैंक यू सो मच उषा की आपने कमेंट किया। मैं आप लोगों को बता दूं कि दोनों ने साथ में पार्टी नहीं की है। मोहक की जो पार्टी वाले फोटोज हैं वो कुणाल के बर्थडे वाले दिन के, यानी कि 29 जुलाई के। एंड गाइज, सुरभि की जो पार्टी वाले फोटोज हैं वो या तो फ्रेंडशिप डे के हैं या दूसरे दिन के हैं। एंड सुरभि पीहू के साथ पार्टी करने गई थी। एंड कोई बात नहीं उषा, अगर आप बीमार थी और कमेंट नहीं कर पाई तो कोई बात नहीं, आप नहीं भी करेंगे कमेंट तो मुझे याद है कि आप अच्छे अच्छे कमेंट करती हैं मेरी वीडियो पर। क्रिस्टीना ने काफी दिनों के बाद कमेंट किया, इन्होंने लिखा है कि हो भी सकता है कि हमारा सोहक हम पर प्रैंक कर रहे हो, ऑफ कैमरा मिल रहे हो, यू नेवर नो बट वी वॉन्ट सोहक बैक। तो गाइज, ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, नोटिस करने वाली बात है कि हो भी सकता है कि सोहक हमारे ऊपर प्रैंक कर रहे हो। इन इस बात का अंदाजा आप लगा सकते हो, कुणाल ने जो स्टोरी रिपोस्ट की थी सुरभि के बर्थडे वाली, उन्होंने उसमें कुणाल ने सुरभि को काफी अच्छे से रिप्लाई दिया था। तो गाइज, हो सकता है कि सोहक हमारे ऊपर प्रैंक कर रहे हो। भावना कुमारी ने कमेंट किया, दी वो पार्टी पीहू के साथ कर रही थी। तो भावना, आप बिल्कुल सही है, पीहू के साथ ही सुरभि पार्टी करने गई थी। साक्षी आर्या ने भी कमेंट किया है, पीहू के साथ कल क्लब में थी सुरभि। तो हाँ साक्षी, आप सही है। मोहम्मद नसीम ने कमेंट किया, थैंक यू दीदी अपडेट देने के लिए, दीदी आप बहुत अच्छी हो सच में दीदी, लिटरली दीदी अल्लाह करे बस वो मिल जाए, माय नेम इज अनस मलिक। थैंक यू सो मच अनस इतना अच्छा कमेंट करने के लिए। नजरीना लश्कर ने कमेंट किया, सॉरी दीदी मेरा एग्जाम था तो मैंने विश नहीं किया हैप्पी फ्रेंडशिप डे। तो कोई बात नहीं नजरीना, एंड मुझे अच्छा लगा कि आप एग्जाम में अच्छे से ध्यान दे रही थी, आपने मोबाइल नहीं चलाया एंड अब आपने मुझे फ्रेंडशिप डे विश किया है, तो सेम टू यू नजरीना। राजेंद्र कुमार ने कमेंट किया, दी सुरभि दी बर्थडे पर नहीं गई, उनका सारा ग्रुप था बस सुरभि दी नहीं थी। एंड इन्होंने सेकंड कमेंट किया, दी अब वो कभी नहीं मिलेंगे। तो गाइज, हमें ऐसे होप नहीं छोड़नी है, हमें अपने आप को स्ट्रांग करना होगा, सोहक जल्दी ही मिलेंगे, हम होप नहीं रखेंगे तो और कौन रखेगा। हम सोहक के फैंस हैं, हमें होप इतनी जल्दी नहीं छोड़नी है, सोहक को मिलाने की कोशिश करते रहना है। शिवी ने कमेंट किया है, थैंक्स दी मेरा नाम लेने के लिए, यू आर सो स्वीट दीदी। तो वेलकम शिवी एंड यू आर ऑल्सो वेरी स्वीट। अगला कमेंट है किरण केशवाला का, सोहक प्लीज कम बैक। स्पर्श कश्यप ने कमेंट किया, सुरभि दी मोहक भाई को बहुत मिस कर रही है। तो हाँ गाइज, आज की स्नैपचैट स्टोरी से हमें लगा है कि सुरभि बहुत ही ज्यादा मिस कर रही है मोहक को। हर्षा चौधरी ने कमेंट किया, मुझे लगता है कि जो भी अभी लेटेस्ट पार्टी हुई है उसमें मोहक नारंग एंड सुरभि राठौर ने ब्लैक क्लोथ्स पहने हैं, उसी पार्टी में मिले हैं। पूनम ने कमेंट किया, हाय दी कब मिलेंगे वो लोग, मैं तो थक गई हूँ इंतजार करते करते, आई मिस यू मोहक एंड सुरभि। सैयद अनीस ने कमेंट किया है, हेलो दी माय नेम इज अरिशफा दी, मैं सोहक की बहुत बहुत बड़ी फैन हूँ, मेरी आंखें और कान तरस गए हैं उनको देखने के लिए सुनने के लिए, थैंक यू सो मच दी, पर जिस दिन सोहक मिल जाएंगे उस दिन सबसे ज्यादा खुश आप होंगी क्योंकि आपने बहुत मेहनत की है। तो हाँ अरिशफा, हम सभी खुश होंगे, हम सभी सोहक के फैंस हैं, जो जो भी सोहक के फैंस हैं वो बहुत ही ज्यादा खुश होंगे जिस दिन मोहक एंड सुरभि मिल जाएंगे। अरिशफा मिर्जा ने क्यूट सा कमेंट किया है। शिवानी के ने कमेंट किया, दी आप बहुत बहुत क्यूट हो, आपकी आवाज़ बहुत ही क्यूट है, थैंक यू दी रोज सोहक की अपडेट देने के लिए। तो वेलकम शिवानी। आसिफ खान ने कमेंट किया है, दी हम सब की दुआ आपके साथ है, आप कितनी प्यारी हो, थैंक यू सो मच आसिफ। एंड गाइस, जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है प्लीज सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दिया करो, आप लोग कमेंट तो करते ही है इतने अच्छे। तो बस गाइस, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ।